और साहब ने एक बात कही थी कि जिसकी सामाजिक जड़ें कमज़ोर होती हैं उसकी राजनीतिक जड़ें भी कमज़ोर होती हैं, और आज की परिस्थिति में भी आप उसको देख रहे होगे कि भी आज हमारी सामाजिक जड़ें कमज़ोर होने की वजह से हम सत्ता से बहुत दूर चले गए। क्यों कमज़ोर हो गई? क्योंकि हम लोगों ने तालमेल नहीं बनाया हम लोगों से। किसके साथ? सामाजिक लोगों के साथ, जो इस अम्बेडकरी फूले साहू आंदोलन को लेकर चल रहे थे, उन लोगों से बहुत दूरियाँ हम लोगों ने बनाई, जिसकी वजह से परिणाम हमारे सामने हैं। लेकिन अभी जो उपलब्धि हम लोगों ने चाहा, देखा, मतलब देखना चाहा, वो चीज़ प्राप्त नहीं हुआ। समझ की चुनौतियाँ हैं, क्या दिक्कत है? चुनौतियाँ तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं रिडक्शन है, जिसके वजह से मतलब कि जो होना चाहिए उसमें मतलब कि कटौती हो जा रही थी। बहुत दूर सत्ता से बसपा चली गई है। एक अगर चीज़ बदलना हो बसपा में और जिसके वजह से फिर वो अपना पुराने दौर में आ जाए, तो फिर क्या बदलना चाहिए? लोगों की सोच, वही पुराना कैडर सिस्टम कि लोगों के घरों घरों में जा करके डोर टू डोर, माउथ टू माउथ, हमारी मीडिया तो माउथ टू माउथ है ना, तो अगर हम डोर टू डोर जा करके छोटे छोटे कमरों में चार चार दस दस बीस बीस लोगों के कैडर लोगों के अपनी आइडियोलॉजी समझा सकें, और वही माननीय काशीराम जी वाला नहीं हो रही है क्या अभी? नहीं हो रही, वो बंद हो गई थी। अब बहन जी ने दोबारा इशारा करा है तो शायद हो जाए और लोगों की समझ में आए और लोग अपनी जगह दोबारा पुनर्स्थापित हो जाएंगे जी। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 9 अक्टूबर की तारीख है और माननीय कांशी राम जी का परिनिर्वाण दिवस, और इस मौके पे आप देख सकते हैं बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र है जहां माननीय कांशी राम जी की अस्थियां रखी हुई हैं और तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पे इकट्ठे हुए हैं। अनिल जी हैं हमारे साथ, और अनिल जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, मैं पहले साफ़ कर दूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से एक नाता रहा है, माननीय कांशी राम जी के दौर को देखा है, बहुजन समाज पार्टी के हर वक्त को देखा है। अनिल जी, माननीय कांशीराम जी को किस तरीके से याद करते हैं? वह एक इस समाज के लिए संत थे, दूसरा कोई संत न भूत न भविष्य थे। ऐसा लगता है कि माननीय साहब जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम कर गए, वह जो है जो बहन जी बीड़ा उठाई हैं करने का, आगे बढ़ रही हैं, एक बहुत बड़ा कदम है। और इसको देखने के बाद महसूस होता है कि जो अपने समाज में जो लोग छोटे छपटे हुए थे, जो लोग देख रहे हैं, समाज को समझ रहे हैं, वह कभी भी किसी भी दूसरे राजनीतिक दलों के बहकावे में नहीं आएंगे। आज एक कौन सी बात याद आती है माननीय की, क्योंकि बीएसपी का एक तमाम चरम था, फिर आज बीएसपी जहां खड़ी है, कौन सी एक बात अभी याद अभी, अभी, आती है जो अभी, आप याद करते हैं? अभी अभी बहन जी ने बताया है कि मंडल कमीशन को कैसे लागू कराया था, वो बात मुझे याद आती है। आज ओबीसी का कितना बड़ा भला किया था साहब ने, और उस वक्त भी बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों के लालच दिए गए थे रूलिंग पार्टी के द्वारा, इवन राष्ट्रपति तक ऑफर दिया गया था माननीय साहब को, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए साहब ने जो है मंडल कमीशन को लागू किया जी। बहुत शुक्रिया अनिल जी। और अनिल जी हैं हमारे साथ, अनिल सागर जी है ना। अनिल सागर जी, माननीय कांशी राम जी की 18वीं पुण्यतिथि है आज, डेथ एनिवर्सरी है, तमाम बातें कही उन्होंने आज के वक्त में, जो उनका एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन था, मूवमेंट था, उसमें कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है, कौन सी बात सबसे ज़्यादा? देखो, इस पूरे आंदोलन को ना साहब सामाजिक रूप से देखते थे, और साहब ने एक बात कही थी कि जिसकी सामाजिक जड़ें कमज़ोर होती हैं उसकी राजनीतिक जड़ें भी कमज़ोर होती हैं, और आज की परिस्थिति में भी आप उसको देख रहे होगे कि भी आज हमारी सामाजिक जड़ें कमज़ोर होने की वजह से हम सत्ता से बहुत दूर चले गए। क्यों कमज़ोर हो गई? क्योंकि हम लोगों ने तालमेल नहीं बनाया उन लोगों से। किसके साथ? सामाजिक लोगों के साथ, जो इस अम्बेडकरी फूले साहू आंदोलन को लेकर चल रहे थे, उन लोगों से बहुत दूरियां हम लोगों ने बनाई, जिसकी वजह से परिणाम हमारे सामने हैं, और अगर हम इनसे आगे भी दूरी बनाएंगे तो यही होगा। सबसे बड़ा अगर फैक्टर है, साहब ने पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को खड़ा किया, आंदोलन के बाद पार्टी बनाई थी, पार्टी के बाद आंदोलन ही खड़ा किया साहब ने, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम आंदोलन की यानी कि सामाजिक जड़ें जब तक मजबूत नहीं करेंगे, सामाजिक लोगों को लेकर नहीं चलेंगे और उनको उस जिम्मेदारी पर नहीं लेके आएंगे, तब तक वो सच्चाई और गलत और सही का निर्णय ना कर निर्णय भी कर सकते हैं वो लोग, और पार्टी को और मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग हिस्सों से आए हैं, आप कहाँ से हैं? मैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, वाराणसी से इस खास दिन के लिए आए हैं।
नहीं, वो तो रहता हूँ मैं यहीं पे। अच्छा, दिल्ली में ही रहता हूँ। तो आप किस तरीके से मान्यवर को याद करते हैं और क्या उनका उनसे कभी आपका सामना हुआ, कभी सुना उनको ध्यान से बैठ के बात? प्रोग्राम में तो मैंने कई बार शामिल हुआ जब बसपा से जुड़े रहे। जी 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 जी, काफ़ी हम लोगों ने स्ट्रगल किया जी, लेकिन अभी जो उपलब्धि हम लोगों ने चाहा, देखा, मतलब देखना चाहा, वो चीज़ प्राप्त नहीं हुआ। समझ की चुनौतियाँ हैं, क्या दिक्कत है? चुनौतियाँ तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं रिडक्शन है, जिसके वजह से मतलब कि जो होना चाहिए उसमें मतलब कि कटौती हो जा रही थी। किस लेवल पे दिक्कत है बसपा की जो आज हालत है वो मतलब अगर हम बात करें कि नेताओं की वजह से है कि कार्यकर्ताओं की वजह से है? मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर, बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करें। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ अपनी ही कमी को मतलब पूरा कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारी कमियाँ पूरी हो जाएंगी। समझिए कि समझे ना, अब दूसरे के ऊपर क्यों हम लोग लांछन लगाएं, खुद अपने में मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्ट्रॉन्ग किया जाए तो शायद सब कुछ मतलब इजी गोइंग हो जाएगा। समझिए कि जहाँ तक मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और भी तमाम हिस्सों से लोग आए हैं यहाँ पे। सर, आप कहाँ से आए आप लोग? हम महावीर इंक्लेव द्वारका विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। बसपा मान्यवर कांशीराम जी का सपना था सत्ता मिलाने का, नारा लगता था कि बाबा तेरा सपना अधूरा कांशीराम करेगा पूरा, है ना? तो कांशीराम जी ने वो सपना पूरा किया, लेकिन फिर आज बहुत दूर सत्ता से बसपा चली गई है। एक अगर चीज़ बदलना हो बसपा में और जिसकी वजह से फिर वो अपना पुराने दौर में आ जाए, तो फिर क्या बदलना चाहेंगे? लोगों की सोच, वही पुराना कैडर सिस्टम, कि लोगों के घरों घरों में जा करके डोर टू डोर, माउथ टू माउथ, हमारी मीडिया तो माउथ टू माउथ है ना, तो अगर हम डोर टू डोर जा करके छोटे छोटे कमरों में चार चार दस दस बीस बीस लोगों के कैडर लोगों के अपनी आइडियोलॉजी समझा सकें और वही माननीय कांशीराम जी वाला। नहीं हो रही है क्या अभी? नहीं हो रही, वो बंद हो गई थी। अब बहन जी ने दोबारा इशारा करा है तो शायद हो जाए और लोगों की समझ में आए और लोग अपनी जगह दोबारा पुनर्स्थापित हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो और भी तमाम हिस्सों से लोग हैं, अलग अलग उम्र के लोग हैं, और ये पूरा आज का जो पांडाल सजा हुआ है ये माननीय कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। और ये देख सकते हैं आप इन तस्वीरों को, जो एक साइकिल रैली जो बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में दर्ज है, उसके संघर्ष के दिनों की कहानी कहती है वो साइकिल आंदोलन, वो साइकिल आंदोलन की जो साइकिलिंग की थी माननीय कांशीराम जी ने साइकिल यात्रा, उसकी तस्वीर बताती हुई ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और ये जी, और तमाम लोग यहाँ पे हैं। जी, कैसे हैं आप? जी, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम जी को कैसे याद करती हैं? कब जाना उनके बारे में पहली बार? पहली बार सर आज से कुछ साल पहले ही जाना, जब अपने गांव और से बाहर निकले, जब पढ़ना शुरू किया तभी हमने उनको पढ़ा और उनके बारे में जाना। तो आज का जो यूथ है वो बहुजन आंदोलन को कितना समझता है और किस रूप में समझता है? अभी सर समझने लग गए हैं, जब से पढ़ने लिखने की तो तरफ आकर्षित हुए हैं, तब से बहुत लोगों में चेतना का विकास भी हुआ है और समझने भी लगे हैं हमारे महापुरुषों को, जब से अम्बेडकर को पढ़ना शुरू किया है और तमाम महापुरुषों को, खासकर कांशीराम साहब को हम लोग राजनीतिक और सामाजिक एक राजनेता के तौर पर देखते हैं, तो पॉलिटिक्स की तरफ भी युवाओं का भी ध्यान आकर्षित हो रहा है, वो माननीय कांशीराम साहब की वजह से ही है कि उनको पढ़ने से और जो एक सोच डेवलप हो रही है लोगों के अंदर, तो काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, खासकर युवाओं के अंदर जो पढ़े लिखे हैं, जो बाहर निकले हैं उस तरीके। बहुत शुक्रिया। तो ये जो रास्ता है, ये बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र जो है, इसके जब हम अंदर चलेंगे, तमाम लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों से पहुँचे हैं और जिसका वाहन किया गया था बसपा की तरफ से, और ये यहाँ पे अस्थियाँ हैं माननीय कांशीराम जी की, और यहीं पे सुबह बहन जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया था, माननीय कांशीराम जी को याद किया था। तो ये हम यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं ताकि आप देख सकें ये बहुजन प्रेरणा केंद्र किस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे,
और ये तमाम भीति चित्र हैं जो कहानी बताते हैं कहीं ना कहीं बसपा की, इतिहास की और तमाम चीज़ों की। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ एक सवाल, अभी जब हम बात कर रहे हैं 8 अक्टूबर को ही हरियाणा का और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आए हैं, क्योंकि जब भी मानोर कांसीराम जी को याद करते हैं राजनीति की बात अपने आप आती है, क्योंकि राजनीति में और सत्ता में लाने का सपना था मानोर कांसीराम जी का। यहाँ पे जो एक प्रदर्शन रहा है बहुजन समाज पार्टी का, काफ़ी बेहतर नहीं रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, फिर उम्मीद की जा रही थी। यहाँ पे आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही। दिल्ली से ही हैं। जब बहुजन समाज पार्टी काम कर रही थी यहीं दिल्ली में, मानोर कांसीराम घूम रहे थे घर घर में, तब तमाम संसाधन नहीं थे हमारे पास, अपनी बातें पहुंचाने का माध्यम नहीं था, मीडिया हमारे साथ नहीं थी। आज चीज़ें इतनी बदल गई, एक मिनट के भीतर आप अपनी तमाम सूचनाएं दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं। तो उस वक्त में जब तमाम अभाव था, बीएसपी इतना आगे बढ़ी, उसने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, आज जब सारी चीज़ें दिख रही हैं कि अवेलेबल हैं, तब क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, इसका एक मुख्य कारण ये है ना कि अभी हमारे लोग हैं ना गुमराह कर दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे कांसीराम साहब की प्रतिमा लगी हुई है स्टैचू पर साइकिल से, ये दर्शाती है कि उस टाइम साइकिल ही था हमारे पास। जब साइकिल नहीं थी तो पैदल ही उन्होंने संघर्ष किया। जब इनका जन्म हुआ था पंजाब में, एक गरीब परिवार में ही हुआ था, उस टाइम का क्या था कि उनके घर में इन्होंने अपने घर का जो त्याग किया, अपने घर के लोगों को त्याग करने के बाद जब समाज में जुड़े, सिर्फ वो इस वजह से कि उनके पिताजी एक सरकारी कर्मचारी के पास उसका पैर दबा रहे थे, नौकरी करने गए थे। तो कहानी पता है, मेरे सवाल पे है। तो वो सब चीज़ देख के, अपनी गरीबी देख के, कांसीराम साहब ने जो जैसा कारमा, बाबा साहब के बाद दूसरे आदमी यही है जो बहुजनों को एकत्रित किया, एकत्रित करके आज बीएसपी पार्टी बनाई जो यहाँ तक पहुँची है। आज हर जगह हमारी पार्टी को हार का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि कुछ हमारे लोग गुमराह कर दिए गए हैं, जाति में बांट दिए गए हैं और अपने में ही लड़ा दिए गए हैं। इसके वजह से हमारे लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। मैं अपने साथियों से, अपने लोगों से, बहुजनों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बीएसपी को समर्थन दें और अपना कीमती वोट बीएसपी को जिताकर, अपने लोगों को जिताकर सत्ता में लाएं और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। और आप देख सकते हैं, इस टाइम इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी हमारे लोग अभी तक नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे लोगों में कमी, भीतर की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और भी सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। दिल्ली से आए हैं। बसपा के आंदोलन को, मानोर कांसीराम जी को किस तरीके से याद करते हैं, और बसपा अपना पुराना दौर जो एक चरम था उसको कैसे हासिल कर सकते हैं? देखो बहन जी ने अब दोबारा से मेहनत चालू करी है, बीच में कुछ दिन को ये निकलना बंद कर दिया था इन्होंने, दोबारा से जो मेहनत चालू करी है इसमें उम्मीद है कि कुछ आगे होगी तरक्की। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है जी। तो लोगों को उम्मीद है कि बसपा अपने पुराने वक्त को फिर से हासिल कर पाएगी, और मानोर कांसीराम जी का जो सपना था और जिस तरीके से वो सत्ता में लेके आए थे, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी, वो वक्त फिर से किस तरीके से वापस आए, इसको लेकर निश्चित तौर पे बहुजन समाज के भीतर, बहुजन समाज पार्टी के लोगों के भीतर एक बेचैनी साफ देखी जा सकती है। और देखना होगा कि शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से अगला आने वाले दिनों में फैसले करता है, निर्णय करता है, जिससे बसपा फिर से अपने उसी पुराने दौर में जब वो सूरज की तरह चमका करता था वापस आती है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक, जय भीम।